उत्तर प्रदेश की राजधानी में 22 नवंबर से लगातार यूपी ट्रिपल एससी अभ्यर्थी दे रहे हैं धरना और नहीं हो रही उनकी सुनवाई, जहां पर 2022 में भी दे चुके हैं, 2023 में भी दिया और 2024 लग चुका है। अभी तक के उनकी मांगों पर क्या विचार विमर्श हुआ है जानते हैं इन अभ्यर्थियों से। वी वॉन्ट जेई 2018 रिजल्ट को लेकर के लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं अपनी आवाज़ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ है पहुँचने का नाम नहीं ले रही। इनसे जानते हैं क्या मांगे आप। जी सर नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार है। जी हमारी मांग क्या, जेई 2018 की जो विज्ञापन आया था जेई 2018 में, उसके बाद में चार साल के बाद में 2022 में हमारा एग्ज़ाम कराया गया, यानी कि एग्ज़ाम भी हमारा धरना देने के उपरांत ही हुआ है। और उसके बाद में अभी तक डीवी रिजल्ट देने के बाद में अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। इसके उपलक्ष्य में हम इससे पहले भी करीब करीब 200 दिनों तक धरना दे चुके हैं, तब भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। उसके बाद 26 नवंबर से हमारा फिर से अनवरत धरना चल रहा है और इसके उपरांत हम आज सीएम साहब से मिलने गए थे सीएम ऑफिस को, लेकिन वहां पर हमें मुख्यमंत्री महोदय से मिलने नहीं दिया गया और हमको वहां से मतलब दास्ती उठा के फिर से इको गार्डन में भेज दिया गया। कितने लोग गए थे आप लोग सीएम योगी से मुलाकात? लगभग 100 से ज़्यादा पब्लिक रही होगी। तुरंत वहाँ पे 5 मिनट ही समय दिया गया था और उसके बाद तुरंत बस में बैठा के यहाँ ले आया गया, लेकिन हम लोग ये निश्चय कर चुके हैं कि जब तक अंतिम परिणाम अभिभाग आवंटन दे नहीं देते हैं तब तक धरना करने का पूर्ण है। और लगातार 2.0 धरना चल रहा है 26 नवंबर से लगातार, उसके पहले भी हम 200 दिन धरना दे चुके हैं। तो और भी लोग हैं हमारे साथ में और जानेंगे उनसे आज क्या हुआ, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाई? मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई, हम लोग गए थे भारी संख्या में, यहाँ से गए हुए थे और रोष भी काफ़ी छात्रों में था, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को रोक दिया और रोकने के बाद हम लोगों को वहीं पर हम नारेबाजी भी हम जितना किया हमको, और परेशान भी हुए कि हमको बस मुलाकात करवा दी जाए। मैं अगर युगान के यहाँ जो प्रांगण से निकल गया हूँ तो ऐसे पहली बार मतलब गया हूँ तो ऐसे ही नहीं गया हूँ, इसके पहले हम 260 दिन यहाँ गुजारे हैं, तब उसके बाद जब हमारी नहीं कहीं सुनी जा रही है तब जाके हम वहाँ पर गए थे। पूरी हिम्मत हार गए थे कि अब करें तो करें क्या करें, लेकिन लास्ट ऑप्शन था कि हमें इन चार दीवारों को तोड़ के वहाँ जाना था। हम गए लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई, हम लोगों को हमारे जितने छात्र थे सबको वहीं रोक लिया गया, वहीं क्या कहते हैं कि पकड़ पकड़ के बसों में ठूसने लगे और सब परेशान थे, रो पीट भी रहे थे, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई और उन लोगों ने बस में बैठा लिया और यहाँ छोड़ दिया करके हैं। हालांकि आश्वासन मिला हुआ है कि अभी हम लोगों की जो 4 सदस्यीय टीम है उसकी मुलाकात करवाई जाएगी। तो क्या मुख्य मांग है आप लोगों की, क्या यानी कि रह गया है जो अभी तक के पूरा नहीं हो पाया? हमारी मुख्य मांग है, सबसे पहले जो हमारा जो सौतेला व्यवहार हमारे साथ हो रहा है ये थोड़ा इसको देखा जाए और ये जो शासन देखे, प्रशासन देखे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस पर विचार करें कि हमसे जो बात के जो भी रिजल्ट है, जो परिणाम है, उनके परिणाम आके गुजर गए और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन हमारा जो 6 साल से पहले जो हमारा रिजल्ट, 6 साल पुराना रिजल्ट है, 18 का रिजल्ट है, बहुत बड़ी बात है। और 18 का रिजल्ट अभी भी रिजल्ट नहीं निकला है, जरा सोचो, एक सरकार 5 साल में आके पलट जाती है और हमारा 6 साल में केवल रिजल्ट का, केवल एग्जाम हो पाया है, एग्जाम होने के बाद डीवी हो पाई, अभी रिजल्ट ही नहीं दिया गया। इसके बाद कई प्रक्रियाएं होती हैं और कब ज्वाइनिंग होगी मुझे नहीं समझ रहा है। घोषित करो को लेकर के प्रदर्शन मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो जेई रिजल्ट जो हम शीघ्र जारी किया जाए और हम लोगों के जो माथे पर सिरकन इसलिए है, चिंता की लकीरें इसलिए हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव पास में है। यदि हम लोग अभी भी अगर हमारी नहीं सुनी गई तो अगर लोकसभा चुनाव एक बार हो गया फिर 5 साल के लिए हम फिर बैठ जाएंगे। यार सोचो, एक भर्ती के लिए 10-10 साल लगाने पड़ रहे हैं, पूरी जवानी अभ्यर्थी है, पूरी जवानी व्यर्थ कर दे रहा है एक अपनी वैकेंसी के लिए, और साथ ही साथ चलो ठीक है उसका नई भर्ती में निकाल रहे हैं। 18 के बाद अभी भी कोई नया विज्ञापन भी नहीं जारी किया गया, कम से कम व्यक्ति इधर ना ध्यान लेके अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि हम लोग टेक्निकल हैं और कहीं तो जा नहीं सकते हैं, तो डिप्लोमा होल्डर हैं, तो कम से कम अगर कोई नई भर्ती भी आ जाती तो कम से कम हमारा जो पूरा जो एनर्जी है यहाँ होके डाइवर्ट हम वहाँ लगाते, वो भी नहीं हो पाया, ना नई भर्ती निकली ना ही 18 का रिजल्ट निकला। अब हम लोग क्या करें, घर के ना घाट के बैठे, यहाँ पर पूरी सर्दी हो गई है, यहीं बैठे। तो आज मुलाकात नहीं हो पाई है, अगर मुलाकात नहीं होती है तो क्या रुक लेने वाले हैं? आश्वासन तो मिला है और अगर मुलाकात नहीं हो पाती है तो आज हम जो गए थे कम से कम 200 संख्या थी, अगली बार हम 500 लोग जाएंगे, फिर नहीं होगी हम 1000 लेके जाएंगे। 4500 लोगों ने डीवी कराई है, यानी कि जाएंगे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के वो
यूपी ट्रिपल एससी जेई भर्ती के ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी, जिनका रिजल्ट घोषित ना होने से आक्रोशित हैं और लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मुलाकात करने के लिए और उनसे अपनी समस्या को बताने के लिए कि आखिरकार उनके साथ में इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। लगातार 2022 में भी ये धरना दे चुके हैं और 2024 चल रहा है और धरने पे धरना इनका चल रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर के भी इन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि अगर इनकी बातें नहीं सुनी गई तो ये हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यालय का घेराव करेंगे और उनको अपनी बातों से हर संभव प्रयास के जरिए अपना दर्द बयां करेंगे। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़ से, योगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से।